आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की बात करें तो इसे जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ हम अपने जम्मू की बात करें तो जम्मू के लिए जो है एक गौरव का पल है। ये गौरव का पल जो है एक छोटे से बच्चे ने बनाया है। हम बात कर रहे हैं हरमनजोत की, जिन्हें प्रधानमंत्री ने बाल पुरस्कार 2021 से नवाजा है। हमारे साथ हरमनजोत है बातचीत में, इनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि हरमन कैसा महसूस कर रहे हो, प्रधानमंत्री ने आपको बाल पुरस्कार से नवाजा है 2021 के, कैसे फीलिंग आ रही है सर? मेरी फीलिंग बहुत अच्छी, मैं तो मतलब बहुत एक्साइटेड था इतने दिनों से श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इंटरेक्ट करने का। मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इंटरेक्ट करने का ये सुनहरा मौका मिला, वो भी वर्चुअली। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इट गिव्स मी एन इमेंस प्लेयर। आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपको जो मौका मिला है प्रधानमंत्री के साथ रूबरू होने का, उनसे बातचीत करने का, वो बातचीत कैसी रही, उनकी तरफ से क्या मैसेज मिला आपको, क्या सीखने को मिला? हमें श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे खासकर उनसे उनकी कुछ बातें इतनी अच्छी लगी कि वो मेरे फ्यूचर में आने के लिए फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल है। उन्होंने हमें ये बोला कि अगर आप इतने अच्छे अवार्ड भी जीत जाओ, ये आपकी अभी फिनिशिंग नहीं है, अभी आपने और मेहनत करनी है और अपने देश की सेवा करनी है। और अगर आप ये अवार्ड जीत भी जाते हैं, हमेशा हम्बल रहना हर एक के साथ, हमेशा ग्राउंडेड रहना और अपनी रूट्स को फॉरगेट मत करना। और साथ ही में मुझे ये भी अच्छा लगा कि वो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस, इन चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी स्टेम की तरफ ही, मेरी रुचि उधर ही है टेक्नोलॉजी में, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया ऐसे स्कीम्स लाते हैं, ऐसे संकल्प लाते हैं हमारे लिए। जैसे हरमन आपने बात की कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, अभी तो आप सिर्फ 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये कैसे आ गया कि आपका ध्यान इस तरफ कैसे आ गया कि मुझे टेक्नोलॉजी पर काम करना है? आप ऐप, एक ऐप बना चुके हैं जो कि वुमेन सिक्योरिटी पर, मुझे लगता है उसकी इतनी ज़रूरत थी और आपने वो ऐप जो है क्रिएट किया, ऐसी चीज़ें करने का दिमाग कहाँ से आया कि ऐसा लगा कि ये मुझे ये सब चीज़ें करनी है? ये सब स्टार्टिंग हुई टेक्नोलॉजी में मेरी रुचि की। जब मैं 2nd क्लास में था तो मुझे अपना पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर मिला था एज अ बर्थडे गिफ्ट, तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि हम कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करें, नए नए फंक्शंस कैसे सीखे कंप्यूटर पर। तो सबसे पहले मैंने कुछ ऐप्स के साथ स्टार्ट किया, मैंने कुछ ऐप्स के फंक्शन सीखने शुरू किए जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ऐसे ऐप्स। मुझे और क्यूरियोसिटी हुई कि अब ये ऐप्स बनते कैसे हैं, इनके पीछे ऐसी क्या चीज़ है कि ये बड़े बड़े लोग कंपनीज ऐसे ऐप्स बना सकते हैं। तो मैंने गूगल पर कुछ सर्च की और फिर मुझे पता चला कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बनते हैं। तो उसके बाद क्यूरियोसिटी की वजह से मेरा ये पैशन बन गया और मैंने नई नई स्किल्स लर्न करना शुरू कर दी। मैंने पहले बेसिक से स्टार्ट किया, कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी की चीज़ें शुरू की सीखनी, और उसके बाद मैंने एडवांस कोडिंग लैंग्वेजेस ज़्यादा सीखी लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि मेरे पास बहुत फ्री टाइम हुआ करता था उस टाइम। तो ये सेल्फ लर्निंग है या इसमें किसी का पीछे बैक सपोर्ट था, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट के बिना तो ये काम होगा नहीं, बट उसके अलावा कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो आपको हमेशा जो है प्रोत्साहित करता रहा, आपको ये पुशअप देता रहा कि नहीं आपको ये चीज़ें करनी है? जो मेरा अवार्ड का क्रेडिट है वो मेरी फैमिली को जाता है, मेरे पेरेंट्स को, और साथ ही स्कूल में, मेरे स्कूल जोधामल पब्लिक स्कूल, और सारे मेरे मेंटर्स, टीचर्स स्कूल में, क्योंकि वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। जब भी मैं कुछ अच्छा अवार्ड जीतता हूँ, वो मुझे और मोटिवेट करते हैं कि तुम और अच्छा कर सकते हो, तो मुझे उससे इंकरेजमेंट मिलती है कि मैं और मेहनत करूँ और कुछ और अच्छा करूँ। हरमन आपसे भी बातचीत करेंगे, पहले आपकी मदर से बातचीत करेंगे, क्योंकि मदर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। एक माँ को बहुत अच्छा लगता है कि जब उसका बच्चा जो है किसी फील्ड में एक्सेल कर रहा होता है, और एक छोटी उम्र में हरमन जो है इतनी बड़ी जो है उसे अवार्ड मिला है, क्या कहेंगे आप? ऑब्वियसली वी आर ग्रेटफुल, है ना, तो ये तो भगवान की कृपा है, सोचा भी नहीं था, ये तो मतलब सपना, अभी भी सपना ही लग रहा है, तो ड्रीम कम ट्रू है कि हमें इंटरेक्शन करने का मौका मिला श्री नरेंद्र मोदी जी से। और पीएम सर, वैसे भी देखा है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, उन्होंने चयन भी बच्चों का ऐसे ही किया है जी। तो मतलब वो बहुत पॉजिटिव पर्सन है, विजनरी है, तो इसको मतलब कि ओलंपियाड्स वगैरह ये काफ़ी शुरू से ही रुचि काफ़ी रख रहा है साइंस टेक्नोलॉजी में। पिछले साल इसका
इंटरनेशनल रैंक 1 आया गोल्ड मेडल, तो इसीलिए और ज़्यादा इसको लगा कि अब मैं कुछ डेवलप करूँ कुछ। अब तो कोविड टाइम में इसने मतलब ये थीम सोचा कि मैं कुछ सोशल कॉज पे कुछ करना चाहता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप दोनों की बात करें, आप दोनों डेंटल डॉक्टर्स हैं, ठीक है, कभी ये नहीं लगा कि हमारा बच्चा भी इस फील्ड में जाए, ये कहाँ पे डॉक्टरी छोड़कर चल पड़ा साइंस और टेक्नोलॉजी की? कभी आपने इसको इस चीज़ के लिए बोला कि भाई बेटा तुम भी डॉक्टर की पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, या तुम्हें भी इन फ्यूचर जो है डॉक्टर बनना है, कभी ऐसा? नहीं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ने इतना बड़ा हमारा मतलब आप हमें पब्लिसिटी दे रहे हैं, इतना मतलब पब्लिसाइज कर रहे हैं इसको। तो एक्चुअली हमने कभी इसको फोर्स नहीं किया जी। हमने इसको यही बोला कि जो तेरी इच्छा है वो तू कर, क्योंकि फोर्स करने से तो फिर अगर हम इसको बोल दें कि बैठ के पढ़ 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 तो बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। तो इसकी खुद ही रुचि बन गई कि मैंने करना है, कुछ करना है। तो जब इसको कंप्यूटर में था कि मैंने करना है, सेकेंड क्लास से थर्ड क्लास से पहले एक अवार्ड मिला, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा, एट प्रेजेंट इसके पास 50+ मेडल्स हैं नेशनल एज वेल इंटरनेशनल। तो इसको लगा कि नहीं, हमने इसको बोला कि जो तेरे को करना अच्छा लगता है, जो हमें हमसे जो हेल्प चाहिए हम तेरे को प्रोवाइड करेंगे। तो उसने मतलब वो, और इस छोटी सी उम्र में इसको जो हमें मिला है वो हमें मतलब अभी तक भी वो नहीं हो रहा है कि इसको मिल सकता था। नहीं, वो अब सपना पूरा हुआ है, वो सपना तो नहीं। पिछले चार दिन से हम अच्छी तरह सोए भी नहीं। आज आप अच्छे से सोइए। एक्साइटमेंट ही, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो मतलब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्पेशली चुना है, और 135 करोड़ में से 32 बच्चों को चुना है। तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ में खुशी है। बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। हरमन, अगर बात करें तो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए भी कुछ सोचा है, क्योंकि एक ऐप बनाने से ही तो मुझे नहीं लगता आप रुकने वाले हैं। नेक्स्ट आप क्या क्या ऐप्स जो है डेवलप करेंगे, और जैसे वुमेंस के लिए बनाई है तो क्या आप किसी और के लिए स्पेशल कोई जो ऐप है वो क्रिएट करने की प्लान्स हैं? हाँ जी, मैं और नई स्किल्स लर्न कर रहा हूँ, जिसमें से एक नई स्किल मैंने लर्न की है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की स्किल्स। तो बेसिकली इन स्किल्स से मुझे प्रेडिक्शन करनी आ गई है। तो मैं अपनी इन स्किल्स से कुछ ऐसे टेलीमेडिसिन ऐप्स बनाना चाहता हूँ। जैसे आजकल अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत रिस्की है कोविड में, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट्स भी कोविड के होते हैं, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वायरस को अगर कोई वहाँ जाए। तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स, अगर वो घर पर ही आपको सेवा मिल पाए एक ऐप के थ्रू, कि एक तरह आपका चेकअप हो जाए, वो चेकअप होता है मशीन लर्निंग से, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो मशीन लर्निंग जो स्किल है उसकी मदद से प्रिडिक्शन वो कर सकता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की सख्त ज़रूरत है। तो मैं ऐसे ऐप्स बनाना चाहता हूँ और सोशल कॉज के लिए हेल्प करना चाहता हूँ सबकी। हरमन, मेरा एक सवाल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगता होगा, साथ साथ स्टडीज़ भी हैं, स्कूल का भी काम देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, वो दोनों चीज़ें मैनेज कैसी होती हैं? कभी मुश्किल नहीं हो जाता कि एग्ज़ाम भी है, दूसरी तरफ आपकी ये लर्निंग जो आप लैंग्वेजेस सीख रहे हैं या मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, उसमें दोनों में कभी कभी क्लैश होता है कभी ऐसा? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभी हो भी जाता है क्लैश, पर हमें मुझे मेरी मम्मा ने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी तरह सिखाई है। तो मैं अपनी मम्मा के साथ भी डिस्कस करता हूँ कि मैं अपना टाइम मैनेज कैसे करूँ एकेडमिक्स और इन इनोवेटिव स्किल्स के बीच में। तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है आप, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जिस तरीके से आप छोटी उम्र में सीख रहे हैं, मुझे लगता है होपफुली आपको वो आगे जाके बहुत ज़्यादा काम हेल्प करेगी। हरमन, आपका क्या मैसेज रहेगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे अगर हम बात करें आज के टाइम पे, हमने देखा है ड्यूरिंग द कोविड कई ऐसे एग्जाम्पल आए कि बच्चे स्टडीज से परेशान होकर, ऑनलाइन क्लासेस से परेशान होकर घरों से भागे हैं, या उन्होंने कई ऐसे स्टेप्स लिए कि वो परेशान होंगे, पढ़ाई नहीं कर पा रही है, या हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिल पा रही। आपने इस कोविड के दौरान जो है बहुत कुछ सीखा, तो आप क्या मैसेज देंगे हमारे उन बच्चों को, साथ ही साथ यूथ को भी? मेरा सबको यही मैसेज है कि वैसे ये बहुत मुश्किल समय है कोविड के टाइम, पर हमें इतना भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा निराशा में एक ऐसे चैलेंज में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कि हमें नई नई स्किल्स लर्न करनी चाहिए। क्योंकि पहले पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो तब तो कोई मोबाइल भी नहीं होता था, इंटरनेट भी नहीं होता, उस टाइम बच्चे कैसे पढ़ लेते थे? और आजकल तो हमारे पास इतनी सेवा है, हर एक के पास आजकल एक ना एक इंटरनेट, एक ना एक मोबाइल, एक ना एक स्मार्टफोन तो है ही है। तो आप इंटरनेट से कई सारी स्किल्स लर्न कर सकते हैं। तो आपका जो ये आइडियल टाइम है, प्लीज़ उसको गवाए मत और अच्छी तरह से यूज़ करें। और साथ ही में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने पैशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप पैशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वो काम बहुत बोरिंग लगेगा। तो जो आपका पैशन है वही करिए।
बिल्कुल, एज अ पेरेंट आप दोनों का मैसेज भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जो है हरमन का सपोर्ट सिस्टम है, उसकी बैक है, आपके सपोर्ट के बिना शायद आज हरमन यहाँ नहीं पहुंचता। आप दोनों का क्या मैसेज रहेगा उन सभी पेरेंट्स को जो हमेशा बच्चों को ये कहते रहते कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी जो भी एक्टिविटीज़ है या कोई का टैलेंट, हर एक बच्चा इक्वली गुड होता है, अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता ही होता है, तो बस उसको पहचानने की ज़रूरत है विद स्टडीज़। बल्कि जिस चीज़ में बच्चे को मज़ा आए वो ही करना चाहिए। पैशन इज़ मच मच मोर इम्पॉर्टेंट देन फोर्सिंग कि नहीं ये करो वो करो। जो देखो कि हर एक बच्चे में है एक टैलेंट, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। सर आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि फादर का मैसेज जो है बड़ा ज़रूरी रहता है, और मुझे लगता है कि फादर जो है वो सिर्फ दिखता है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, पर होता नहीं है, मतलब कि दिख सामने नहीं आता, बट आप जो है एज हरमन के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, तो कैसे क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को तो यही मैसेज देना है कि हर पेरेंट्स को कि हर एक कोई गॉड गिफ्टेड बच्चा नहीं होता। मैं जो सबसे पहले तो हमेशा हार्ड वर्क ही सामने आता है और टाइम के साथ आता है। हम एकदम तो ये नहीं कह सकते कि रात को और सुबह कुछ एकदम हो जाए, जंप से तो कुछ नहीं होगा, एक स्टेप बाय स्टेप होगा। और उसने इसी ने जो स्टेप बाय स्टेप ही हम ये आज तक यहाँ मतलब अब यहाँ तक पहुँचा है, इतने सालों के मेहनत के बाद हमें ये इसको ये फल मिला है और हमें भी इसके साथ फल मिला है। मतलब अब फ़ोन आ रहे हैं कि आप हरमन के फादर बोल रहे हैं, तो मैंने पहले आज और कितने हमें मेरे को ब्यूरोक्रेट्स के फ़ोन आए हैं कि आप हरमन के पापा बोल रहे हो, तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं और सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का टैलेंट निकालिए, सामने करिए, ये नहीं कि उसको ज़बरदस्ती मत कीजिए कि यही कर तूने यही बनना है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम ये कल तूने क्या बनना है, क्योंकि डेली टू डेली इसकी नई ज़रूरतें, नई और नई नई चीज़ें सीखनी है। जो भी करेगा अच्छा ही करना है बस लाइफ में, ये नहीं करना कि हाँ जी। हमसे बातचीत करने के लिए और अपना टाइम जो है हरमन हमारे साथ थोड़ा सा देने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होंगे, मुबारकबादें मिल रही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ हरमनजोत जी। हाँ, अगर हम बात करें तो सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही गौरव इन्होंने नहीं बढ़ाया है, इन्होंने पूरे भारत का गौरव बढ़ाया है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में, यानी कि सिर्फ 8th क्लास में पढ़ते हुए इन्होंने इनोवेशन के अगर फील्ड की बात करें तो उसमें कमाल कर दिखाया है। कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, पर अब प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 से नवाजे गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हरमन जो है फ्यूचर में भी इसी तरीके से जो है प्रगति हासिल करते रहे और इन्हें कई ढेर सारे अवार्ड से नवाजा भी जाए। तो बने रहे अर्थ न्यूज़ के साथ।